Hey, class 9. So, we were talking about the human skill formation or the quality of population. The quality of population depends upon three factors mainly. The first one is education. The second one is health. The third one is skill or the rate of employment. Clear? So, we were clear about education, like we read about different aspects of education, school, universities, different programs, Sarva Siksha Abhiyans, and other prospects that what the government has done to improve the educational status of our country and how it is important to improve the quality of population. Now let's come to health. You've already read about health in biology. Very simply, I'm explaining you, health is a factor which makes us, which builds us, which makes our body and mind fit. And a fit body, fit mind will be more productive. Clear? Before going into the whole topic, let me first tell you about some important terms. Okay? The first one is birth rate. Second one is death rate. Third one is infant mortality rate. The fourth one will be, 1 minute, let me change the marker, life expectancy. The four terms that is mentioned in your book, let me explain you things first. Birth rate means how many childs are born. Death rate, how many childs die. How many children, not childs, children die. Okay? Let me define these both the points for you. Birth rate actually means the number of babies born in a particular time period for every 1,000 people. हजार लोगों में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? अगर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं 1,000 लोगों में, तो उनका बर्थ रेट 10, 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं 20, डेथ रेट भी, 1,000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं? 100 लोग मर रहे हैं, डेथ रेट 100, 500 लोग मर रहे हैं, डेथ रेट 500. वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है? 1,000 लोगों में कितने नए बच्चे पैदा हुए, 1,000 लोगों में कितने लोग मर गए. एक पर्टिकुलर टाइम, ये एक महीने का हिसाब लगाएं, एक साल का हिसाब लगाएं, 10 साल का हिसाब लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? ओके, ये एक्सप्लेन हो गया. नेक्स्ट, इन्फेंट मोट, अच्छा सॉरी, मैं पॉइंट बोलना भूल गया. बर्थ रेट का दूसरा नाम है नाटालिटी. डेथ रेट का दूसरा नाम है मोर्टालिटी. क्लियर? नाटालिटी, मोर्टालिटी. क्लियर? सो डेथ रेट इक्वल टू मोर्टालिटी एंड बर्थ रेट इक्वल टू नाटालिटी. नाउ लेट्स कम टू इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट. ठीक. इन्फेंट मतलब कौन? एक साल से कम जिसका उम्र है. एक साल से कम जिसका उम्र है वो है इन्फेंट. मतलब एक साल से कम बच्चे कितने लोग मर रहे हैं? क्लियर? एक साल से कम बच्चे कितने लोग मर रहे हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 1 ईयर ऑफ एज इन 1,000 चिल्ड्रेन. 1,000 बच्चों में, देखो बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, इन्फेंट मतलब बच्चों का ही बात करूंगा. 1,000 बच्चों में, क्लियर, कितने बच्चे मर रहे हैं एक साल से कम वाले? क्लियर, समझ में आ रहा है? एक साल से कम वाले 1,000 बच्चे गिनेंगे और उसमें से कितने मरे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. डेथ रेट में 1,000 लोगों में कितने लोग मरे, बस लोगों में कितने लोग मरे वो अलग हिसाब है. लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1,000 इन्फेंट में कितने इन्फेंट मरे. इन्फेंट मतलब एक साल से कम बच्चे. क्लियर? खत्म.
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक टर्म है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न हाउ मेनी इयर्स इज ही और शी एक्सपेक्टेड टू लिव. जब एक इंसान पैदा होता तो ऑन एन एवरेज कितना साल जिंदा रहेगा ये सोचते हैं. इंडिया में करंटली 67-68 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मतलब एक इंसान पैदा होने के बाद करीबन एवरेज में 67 इयर्स या 68 इयर्स जिंदा रहता है एवरेज. ऐसा नहीं कि कोई हर एक इंसान 67 में मर जाएगा. कोई 50 में मरता है, कोई 30 में मरता है, कोई 100 तक जाता है. तो इनका एवरेज निकाल के ही ऐसा हुआ है. क्लियर, समझ में आ रहा है कि इनका मतलब. नोट्स मैं दे दूंगा डेफिनेशंस का, पढ़ोगे तो समझ में आएगा. सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बिकॉज हेल्दी पॉपुलेशन ओके योर वर्किंग पॉपुलेशन इज काउंटेड फ्रॉम एज 15 to 59. 15 to 59 के लोगों को हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट करते हैं. वर्किंग पॉपुलेशन लोग पैसा कमाते हैं. ये पॉपुलेशन अगर हेल्दी रहेगा मीन्स आवर प्रोडक्टिविटी विल बी मोर, आवर GDP इंप्रूवमेंट विल बी मोर, आवर डेवलपमेंट विल बी मोर. दैट्स वाई प्रॉपर हेल्थ शुड बी हेल्थ केयर सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड ऑल ओवर द कंट्री. ओके लाइक इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस. ओके दिस शुड बी द मेन मोटो ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द मेन मोटो ऑफ द कंट्री. हेल्थ केयर फैसिलिटी, नॉर्मल हेल्थ केयर, देन फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशनल सर्विसेस, ये सब कुछ सबको मिलना चाहिए. सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों को भी, सिर्फ अर्बन नहीं रूरल में भी ये सारा फैसिलिटीज होना चाहिए. जितने डॉक्टर्स शायद एक शहर में है उतने डॉक्टर्स मतलब करीबन उतने गांव में भी होने चाहिए. अभी हम जूनागढ़ के आसपास गांव में देखेंगे तो उसके आसपास 10-15 गांव है और डॉक्टर्स ही नहीं, सब जूनागढ़ आते हैं. कोई अर्जेंट केस हो गया, वेरी बिग प्रॉब्लम, मर भी सकता है सामने वाला. क्लियर, तो वर्किंग पॉपुलेशन में लोग अगर मरने लगे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज पर ध्यान देंगे, लोग हेल्दी रहेंगे. क्लियर, तो ये ऑटोमेटिकली कंट्री का इंप्रूवमेंट कराएगा ही कराएगा. कुछ स्टैट्स दिया गया है तुम्हारे बुक के इस पार्ट में, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टैट्स को बता रहा हूँ क्या है. 1951 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 147 था. 1951 बहुत बच्चे मर रहे थे. देखो 1000 बच्चों में, 1000 इन्फेंट्स में 147 बच्चे तो मर जा रहे थे. लेकिन 2016 को अगर देखेंगे हेल्थ केयर सर्विस इंप्रूव हुआ तो सिर्फ 34 बच्चे मरते हैं. अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखो, बहुत मतलब बच्चे मरना बंद हो गए, मीन्स हमारा हेल्थ केयर सर्विस इंप्रूव हो रहा है. क्लियर, पहले बर्थ रेट 20.4 था. क्लियर, अभी 6.4 है. मतलब बच्चे जो डेली पैदा हो रहे थे, लार्ज नंबर ऑफ किड्स वर बॉर्न इन पर इन वन डे ऑफ इंडिया, वो घट गया. पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है हमारा, अगर बर्थ रेट ज़्यादा रहेगा तो हमें प्रॉब्लम है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इम्प्रूव हुआ है, 63 था पहले, अभी 67-68 है. क्लियर, तो ये स्टैट्स तुम्हें खुद नोट्स बना के सेट करना है. ठीक है, सो बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अ गुड बर्थ रेट, गुड डेथ रेट एंड अ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज अ प्रूफ दैट द कंट्रीज हेल्थ केयर इज गुड. प्रॉपर न्यूट्रिशन शुड इज बीइंग प्रोवाइडेड नाउअडेज टू द चिल्ड्रेन. जो स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान होता है, मैं बताया था मिड डे मील का प्रोग्राम किया गया है. मिड डे मील मतलब वहां पे न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा बच्चों को स्कूल में. न्यूट्रिशनल फूड मींस एक हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन के साथ साथ वहां पे स्कूल्स में हेल्थ का भी ध्यान दिया जा रहा है. क्लियर, टाइम टू टाइम वैक्सीन स्कूल में भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि बीच में जापानीज एनसेफेलाइटिस का वैक्सीन आया था, स्कूल्स में बच्चों को दिया गया. हाँ, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान रखा जा रहा है. क्लियर, सो हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट. यहां पे पूरा स्टैट्स दिया है, देखो CHC, PHC, ये सब क्या हॉस्पिटल्स का नाम. CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ केयर, सब दिया गया है यहाँ पे. ओके, SC मतलब सब सेंटर,
जो गांव में होता है, बहुत छोटे छोटे जगहों में होता है। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर, सीएचसी, देखो नंबर कैसे बढ़ रहा है। 181,000 था, एक साल में 182,000 हो गया, 2 साल में 184, 185, 187 इम्प्रूवमेंट। क्लियर? डिस्पेंसरीज, देखो डिस्पेंसरीज पहले कितना था, 29,000, 29,000 थोड़ा बढ़ा, 500 बढ़ा है, फिर और 200 बढ़ा है, ये करीबन और 1,000 नहीं और कुछ 100-200 बढ़ा है इधर। इधर 31 होना चाहिए या 30 होना चाहिए, 31 कॉमा इधर उधर कर दिया है, 31,641 नंबर्स बढ़ा ही है। गवर्नमेंट बेड्स देखो बढ़ा है, 6 लाख से 7 लाख हो गया है। ये डॉक्टर्स कितने थे पहले, 45,000 थे, 33 हो गए, क्या हुआ ये वाला मेडिकल काउंसिल, वन सेकेंड, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये स्टैट्स कुछ गलत दे दिया है, ये नंबर्स घट गए हैं। रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल, घटा घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, डॉक्टर्स का नंबर तो बढ़ते जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ का भी दिया गया, सब में इम्प्रूवमेंट है, वो दिया गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं। क्लियर? स्टैट्स तो बुक में चेक करना, मेरे उस बुक में तो पता नहीं क्यों रॉन्ग लग रहा है, अगर तुम्हारे बुक में सेम दिया है तो तुम उस तरह ही आंसर लिख रहा है यहाँ पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, हेल्थ खत्म हुआ, अब आता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट वो द पर्सन वर्क्स एंड अर्न्स मनी, पैसा कमाएगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा। लेकिन हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन वेयर द पर्सन हैज पोटेंशियल टू वर्क। पोटेंशियल मतलब काम करने की क्षमता हो, उसके पास काम करने का इच्छा भी हो, ही इज विलिंग टू वर्क। क्लियर? समझ में आ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन वेयर वी हैव टू थिंग्स, अ पर्सन हैव पोटेंशियल टू वर्क, हैव इज विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क, काम नहीं मिल रहा। वेरी सिंपल, क्लियर? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ओके, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द पर्सन हैज पोटेंशियल टू वर्क, इज विलिंग टू वर्क, काम करने की इच्छा है, काम करने की क्षमता है, लेकिन काम नहीं मिल रहा, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? ओके, सो यहां पे खत्म करता है क्लास, थोड़ा बाकी है और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। क्लियर? So that I will help you in my next video. Okay? Have a good day.